कार्यक्रम है, उसके तहत सुरक्षा व्यवस्था एवं 13, 14, 15 को खिचड़ी मेले के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी के को रिव्यू करने के लिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसमें कमांडेंट शंकर सिंह SSP 22 बटालियन, हमारे SP साहब SP महाराजगंज स्पेशल ब्रांच के अधिकारी, LIU के अधिकारी, कस्टम्स के हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और अन्य सभी स्टेक होल्डर्स इस मीटिंग में शामिल हुए और मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की जो हमारी कार्य योजनाएं हैं इन दोनों महा बृहद इवेंट्स में चौकसी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में डिस्कशंस हुए। सर, 22 तारीख को जो अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, नेपाल से भी काफ़ी लोग जाने वाले हैं, साधु संत और नेता लोग भी, उसको लेकर किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा, और चूँकि खुली सीमा, उसको लेकर किस तरह से आपने दिशा निर्देश दिया है यहाँ अधिकारियों को? ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसी मुद्दे के संबंध में भी यहाँ हमारे विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों से बात हुई और यह निर्बाध रूप से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है और उसी की कार्ययोजना अमल में लाई जाएगी। सर, चूंकि भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 84 किलोमीटर की सीमा है, ऐसे में चूंकि कुछ बड़े त्यौहार है, रिपब्लिक डे है, 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो अलग से क्या शासन से निर्देश मिले चौकसी बढ़ाना? हाँ, एग्जैक्टली उसी के उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग सघन रूप से की जाएगी, परंपरागत और गैर परंपरागत मार्गों पर चेकिंग फ्रिस्किंग तेजी से की जाएगी, अनधिकृत रूप से अगर कोई